नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 27 मार्च 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इस डिस्कशन की टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दिया गया है। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड द स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। अब बात करें दूसरे ऑप्शनों की, गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। और असम के बारे में हम इसी डिस्कशन के सेकंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये रहा मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवम्बर 2021 से लागू किया। बिना तेल रिफाइनरी न्यूज़ में थी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 76 फेमिनाइन योजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। खबरों में रहा शाक्य सागर झील मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की। इंदौर शहर ने पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए फर्म पता नेविगेशन के साथ एक समझौता किया, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा कानून लागू किया। और दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जनता के लिए खोला गया। 3 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी न्यूज़ में थी मध्य प्रदेश में है। ASI ने मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की। प्रतिभा खोज अभियान स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा जो भारत से विलुप्त हो गए थे। ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, तो ये आप याद रखेगा। लोकेशन देखिए आप मध्य प्रदेश की, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ बाउंड्री मध्य प्रदेश की शेयर होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, भोपाल कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, मंगूभाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमाथ। 52 जिले हैं लोकसभा की, 29 सीट राज्यसभा की, 11 विधानसभा की, 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने मध्य प्रदेश के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल लाइफ लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ इन द स्टेट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है आसाम, डी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनाया जाएगा नीदरलैंड की सहायता से। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटेल के साथ कवर किया। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। डी ऑप्शन आसाम सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। बैखो उत्सव असम में मनाया गया। अंबुबाची मेला असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मेश अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रति गमछा को 14 दिसंबर 2022 को
भौगोलिक संकेत यानी जी आई टैग मिला। पहला बॉर्डरलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर एस सी ओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो असम में आयोजित किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन एस एच जी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एस एच जी बनाया है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। तो ये बात करी असम के करंट अफेयर के बारे में। ये लोकेशन है असम की। भूटान बांग्लादेश दो देशों के साथ असम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और भारत के अंदर किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्य हैं। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संदीप मेहता। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। डांस है असम का इम्पोर्टेंट बिहू डांस। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, तीनों हिल्स मेघालय राज्य में है, ना कि आसाम राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गवर्नर पॉट टू गवर्नर्स हाउस अ हिक्स ओडिसी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पीएस राम मोहन राव ने, ए ऑप्शन। ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। रस्किन बॉन्ड, इनकी बुक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमृत सेन, इनकी बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु, इनकी बुक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा, बुक का नाम है फेयरसली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। के एम चंद्रशेखर, इनकी बुक का नाम है अ गुड एज माई वर्ल्ड। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन पी एस राम मोहन राव, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया यानी वर्ल्ड थिएटर डे? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 मार्च 2023 को। 25 मार्च 2023 को अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया। 24 मार्च को विश्व श्रेय दिवस मीन्स वर्ल्ड टीवी डे ये मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये मनाया गया। ए ऑप्शन 27 मार्च फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, मार्च 2023 में जारी डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो यह है अपने देश भारत में। रूस की अगर हम बात करें, रूस की जो कैपिटल है ये है मॉस्को। इटली की जो कैपिटल है ये है रोम। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है यह है ताशकंद। तो ए ऑप्शन भारत फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया वर्ल्ड पोएट्री डे? तो ये मनाया गया 21 मार्च को, यानी सी ऑप्शन 21 मार्च, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, खबरों में रही तंथई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, यानी डी ऑप्शन तमिलनाडु, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।